आज बताएंगे दोस्तों कि मिस्त्री कैसे आसानी से सीख सकते हैं और मिस्त्री का मेन मास्टर कौन है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। सो दोस्तों, दर्शन वगैरह करके अभी फ्रेश हो लिए हैं और संध्या का मम्मी चल गई जंगल और अभी हम खाना बना रहे हैं। ये देखिए, अभी चावल बन चुका है और यहाँ पे दाल दे दिए सीजने के लिए और संध्या भी देखिए बादाम खा रही है अभी ना। चलो बाय बाय बोलो, बाय बाय। तो चलिए थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। चलो संध्या, झाड़ू मार देंगे थोड़ा। तो झाड़ू मार के पूरा अच्छी तरह से कर दिए। संध्या भी खेलने लगी है और सुबह सुबह का नज़ारा देखिए दोस्तों, बाहर का मौसम साफ है। कल तो बारिश हुआ था तो अभी भींजा हुआ है, कितना अच्छा साफ सफाई। बैठ के खेलो हाँ। अभी मत चलिए, आग को तेज करते हैं, जल्दी होगा। और आप लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि हम काम पकड़े हुए हैं, कहीं पे काम करने के लिए भी जाना है, तो जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं फिर खा के जाएंगे। चलिए लकड़ी डाल देते हैं, थोड़ा कम लकड़ी हो गया है। और माँ इधर झाड़ू लगा दे रही है, देखिए हमारा झाड़ू लगाया हुआ पसंद नहीं आया इसलिए फिर से मार रही है। बनाते हैं दाल को जल्दी फटाफट। नहीं, भात बना है और दाल बन रहा है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे मस्त आग जल रहा है। अब क्या है उसमें हैं, दिखाओ। अच्छा संतरा। चलो खाओ, सुबह सुबह खाने से अच्छा होगा, फायदा करेगा है ना। हाँ मिल बांट के खाओ। हाँ मिल बांट के खाओ। देखते हैं सिटी बन रहा है कि नहीं, यानी गैस। चलिए हो रहा है, बहुत मजा आया। मजा आया ना, संध्या भी खा रही है, मजा लग रहा है ना। चलिए एक पीस हम भी खाते हैं। मजा, पूरा कचरा को बाहर फेंक देने जा रही है। दाल में डालने के लिए प्याज और मिर्चा काट लिए हैं। अब संध्या का बारी है झाड़ू लगाने का। का लिख रही है ना, और लिखो। दाल चढ़ाएगा, बहुत देर हो गया, अब सीज गया होगा। तो चलिए अब इसको उतारते हैं और प्याज से छनकाएंगे। कितना ज़्यादा सूखी। चलिए अब तेल गरम होने देते हैं। तो दोस्तों खाना निकाल लिए, दाल भात चलिए खाते हैं। तो चलिए खाना पीना हो गया और बकरियों को यहाँ पे मार है, ये वाला पहुँचा देते हैं।
ये देखिए पीने लगे अब। तो दोस्तों घर का छोटा मोटा काम सभी निपटारा हो गया, अब चलते हैं काम पे, टाइम भी हो गया। दोस्तों जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे पहुँच गए और इधर देखिए रिंग बांध रहे हैं उधर, और ये वाला कल हम लोग जोड़ाई किए थे तो इधर भाड़ा खोलेंगे और वो साइड अब जोड़ेंगे। तो अभी बाकी आदमी नहीं आए हैं तो हम लोग भाड़ा का तैयारी उधर कर लेते हैं, ये सब को उठा के ले जाएंगे उधर, भाड़ा उड़ा बांध के अच्छी तरह रेडी कर लिए और अब लेबल लेते हैं कलम कलम में। लेवल हो गया, बांधिए। चलिए आगे, ये देखिए लेवल में धागा बांध रहे हैं, अब चारों तरफ लेवल करना है। चारों तरफ लेवल किया हुआ हो गया और अब जुड़ाई करते हैं। तो बाबू थोड़ा करनी है तो बढ़िया अच्छा हुआ है, सब व्यवस्था देता है। ये साइड का जोड़ाई कंप्लीट हो गया और लंच का भी समय हो गया, तो चलते हैं धोते हैं अब यहाँ पे हौदा में, मस्त पानी है एकदम भर के रखे हुए हैं झरना का पानी। देखिए ये पाइप से आता है, थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन पूरा मस्त पानी एकदम फ्रेश, पानी का दिक्कत नहीं हुआ घर बनाने में। धो धा के फ्रेश हो लिए और चल दिया खाना खाने के लिए। घर पहुंच गए और ये देखिए जंगल से आके अभी खाना खाने जा रही है, सुबह गए थे लकड़ी लाने के लिए, अभी लकड़ी रख के और अभी जस्ट खा रही है। देखिए खाई भी नहीं, इसमें अचार है। चलिए हम भी खाते हैं। इधर ईटा का व्यवस्था दे रहे हैं अभी, चलिए मसाला बनता है फिर जुड़ाई करेंगे। चलिए अभी इसको चढ़ा लेते हैं। ईंट को भाड़ा ऊपर चढ़ा लिए और जुड़ाई भी अब चालू हो गया। चलिए दोनों साइड बांध रहेंगे, हम रहेंगे बीच में। यहीं पे तो दोस्तों इतना सा जोड़ाई हो गया है और प्रियंका पूरा मसाला ला ला के दे रही है ना? दे रहे हैं। आज बताएंगे दोस्तों कि मिस्त्री कैसे आसानी से सीख सकते हैं और मिस्त्री का मेन मास्टर कौन है। मेन मास्टर देखिए ये है साहुल, ये देखना जान गए तो समझिए कि आसानी से दीवार एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। और ये बहुत ही आसान है, जिस ईंटा से आप लीजिएगा, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना ये है, इस तरह से देखना है पूरा एकदम सेम से, ये देखिए इस तरह से एकदम, ज़्यादा ईंटा से फर्क नहीं होना चाहिए, सेम सेम झूलना चाहिए एकदम, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और इसी ईंटा से जितना भी हम ऊपर बढ़ते जाएंगे सब ईटी इसी ईंटा से लेंगे साहुल, तब जाके मेरा दीवार सीधा उठेगा। तो ये ऐसे आप लोग भी छोटा मोटा काम घर में कर सकते हैं अपने से भी। तो बता दिया आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।